वहीं अब भीषण गर्मी को देखते हुए उद्धम सिंह नगर जिले के डीएम उदयराज सिंह ने पेयजल निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पानी की समस्या क्षेत्र में ना हो इसको लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम उदयराज सिंह ने पेयजल निगम के अधिकारियों के अलावा नगर निगम नगर पंचायत के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उद्धम सिंह नगर जिले के मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार के द्वारा बैठक में अधिकारियों को अपने काम के प्रति सजग रहने के लिए निर्देशित। रुद्रपुर से केश बच्च की रिपोर्ट। देखिए, इसमें दो तीन बिंदुओं पे अभी एक दिन पहले माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी जो कार्यदायी संस्थाएं हैं और संबंधित संस्थाएं हैं उन सभी से व्यापक चर्चा की गई है, समीक्षा की गई है। सर्वप्रथम तो जो हमारे पेयजल और पानी के स्रोत से संबंधित विभाग हैं उन पे बात की गई थी। तो जितने भी हमारे अधीक्षण अभियंता हैं और अधिशासी अभियंता हैं खास करके जल संस्थान के, उन सभी को निर्देशित किया गया है कि ऐसे जगहों को ऐसे स्थानों को चिन्हीकरण कर लिया जाए, कारण क्या है उस पर कार्य किया जाए। तो उसमें दो तीन बिंदु निकल कर आए। एक तो जो पेयजल लाइनें पुरानी हैं उसमें हेड लॉस का इशू रहता है, तो उस पर जो है व्यापक रूप से प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एक तो ये बिंदु आया। और दूसरा यह है कि उस समय रोस्टिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो कई जगहों पर पानी के लिए जिस समय पानी का उठान करना होता है उस समय पानी उपलब्ध नहीं हो पाती। तो इन दोनों विषयों पर चर्चा की गई है, टाइमलाइंस दिए गए हैं ताकि जो कार्य हो रहे हैं वो पूर्ण हो जाएं। जहाँ पे लाइंस पुरानी हैं उसमें जिस पोर्शन में काम करना है उसको काम करके ठीक कर लिया जाए। और यूपीसीएल को भी बताया गया है कि रोस्टिंग का समय ऐसे निर्धारित करें ताकि जब जल संस्थान को पंपिंग करनी हो तो उस समय कहीं कोई व्यवधान ना आए। साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्र हैं और सड़क क्षेत्र हैं वहाँ पर नगर निगम क्षेत्रांतराधीन सभी स्थानों को अपनी पेयजल व्यवस्थाएँ सुदृढ़ करने के लिए कहा गया है। जो हैंडपम्प्स हैं उसको ठीक करने के लिए सभी को अवगत किया गया है। और यही व्यवस्थाएं गांव ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी जिला पंचायत और हमारे स्वजल के माध्यम से हम लोग कर